Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. MS High School. Admissions are open near New Bus Stand, Sirajul Ulum Trust, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। शहर महबूब नगर के खदीम कब्रिस्तान खलंदर शाह कब्रिस्तान की अराजी पर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद रब्बानी नामी रियल इस्टेट ताजिर की जानिब से कड़िया गाड़ने की कोशिश की। इतला मिलते ही ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा सदर कब्रिस्तान तहफ़ कमेटी, मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर जिला मजलिस, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट सदर यूथ मजलिस, मोहम्मद तकी हुसैन सदर ईदगाह कमेटी, सैयद सादतुल्ला हुसैनी मजलिसी बल्दी फ्लो लीडर, मोहम्मद महबूब नुमाइंदा काउंसलर बल्दी हल्का 26 ने कब्रिस्तान खलंदर शाह पहुंचकर शदीद एहतजाज दर्ज किया, जिस पर मोहम्मद रब्बानी ने एतराफ किया कि लैंड ग्रैबर प्रकाश गौड़ की अहलिया की जानिब से कब्रिस्तान की अराजी को पट्टा अराजी बताकर गुमराह किया। इन्होंने वहां मौजूद कायदीन और मोहल्ले के नौजवानों से माजरत खाई की। इस मौके पर वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज, महिला डिस्लरी के नौजवान मोहम्मद अनवर, मोहम्मद इस्माइल, याकूब इब्राहिम, शकील, मुनीर वगैरह भी मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज अपडेट्स। प्रकाश गौड़ की जमीन पट्टा लैंड है बोलकर उसकी मिसेज मेरे पास डॉक्यूमेंट भेजा दी, कोर्ट के आर्डर 2014 की भेजा दी, क्लियरेंस होगा। वक्फ बोर्ड की लैंड 37 गुंटा से, रिमेनिंग मेरी पट्टा लैंड है बोलने से मैं आके जमीन देख के सर ये क्या बोलते हैं वर्क करने के लिए शुरू करा, जो हकीकत बाहर पड़ना बोल के मैं आज काम शुरू करा। आपको पट्टा सर्टिफिकेट जी बताए वो लोग? हाँ, प्रकाश गौड़ की बीवी शोभा रानी मेरे अग्रीमेंट करी। मैं बोला ये काम करे तो कब्रिस्तान की है या इसकी है मालूम है, बोले काम शुरू करा, मालूम होगा कब्रिस्तान की बोल के मैं निकल जा रहा हूँ। आपको शोभा रानी प्रकाश लोकल में, मैं तो प्रकाश गौड़ की जो बीवी थी ना पट्टा लैंड वाले उन्हें लोकल में फैसल बोल के एक बच्चा है यही रहने वाले, उन्हें बोले भाई कब्रिस्तान वहाँ तक की है बाकी जमीन इधर है बोले। ठीक है बोला तो आज मेरे को क्या है काम करे तो मालूम होता है ओरिजिनल क्या है बोल के आके मैं शुरू करा। आप फैसल की बात पे यहाँ पे? हाँ बेशक। 5 रोज पहले दुबई फैसल नामी शख्स मुझे फ़ोन करके फिर मुझसे मदीना मस्जिद के पास मुलाकात करके ये बावर किया और कहा कि अगर आप इजाज़त दिए तो मैं शब बारात के लिए कब्रिस्तान साफ़ करूंगा, मैं इरना पेट का कब्रिस्तान भी साफ़ करने के लिए अभी रहीम भाई से बात करके आया हूं, आप भी अगर इजाज़त दिए तो मैं करवा देता हूं। तो मैं उनसे कहा कि भाई आप सही बोल रहे हैं या कोई इसमें माल प्रैक्टिस है? तो नहीं नहीं कसम खुदा की ये कब्रिस्तान का मसला है, मैं करना चाह रहा हूँ मैं। तो ठीक है भाई, ये क्योंकि भाई मुसलमान है तो भरोसा किए हम, चलो भाई अब शब बारात के वक्त काम करना है तो इसके लिए 1.5-2 लाख का सरमाया लगता, तो उन्होंने बोले कि मैं लगा के करूँगा। तो मैं उनसे ये भी बोला कि मैं भी इसमें आपको ताउन करूँगा, नहीं नहीं आपकी ज़रूरत नहीं है ताउन की, मैं पूरा कर देता हूँ। और उसके बावजूद भी मैं दूसरे दिन से उन्होंने काम शुरू करे, तब से भी मैं निगरानी करा, यहाँ के बच्चों को भी बोला जाके देखे, उन्होंने अंदर के हिस्से में कर रहे थे ताकि लोगों को नज़र नहीं आना, उनका बहुत बड़े पॉलिटिक्स तरीके से काम करे उन्होंने। तो बहरहाल उसके बाद उन्होंने जेसीबी लगाए तो मैं बोला बाबा जेसीबी मत लगाओ वहाँ पे, झगड़ा चल रहा हमारा 2006 से जेसीबी के वजह से, ऐसा अच्छी बात अभी निकाल दे रहा हूँ बोल के निकाल दे के फिर फ़ोन करें, मेरे साफ़ करा रहा हूँ, लंबाड़ों को रखा हूँ साफ़ कर रहे हैं वो लोग, इंशाल्लाह हो जाता, ज़बरदस्त क्लीन करा के चुना डला के दे देता हूँ। अरे भाई चलो अल्लाह का लाल एक आ गया शायद हमदर्द कौम का बोल के हम उस पर भरोसा करके करे, मगर ये बहुत बड़ा धोखा है मुसलमानों के नाम पे, इस तरीके की हरकत नहीं करना चाहिए, हमारे साथ अगर धोखा दही होती जाएंगी तो फिर हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते। ये कब्रिस्तान सबका है, ये 250 साल पुराना कब्रिस्तान है, 2006 से हम इसके ऊपर केसेस में मुलविस, परसों हाल में तकरीबन केसेस ख़त्म है, अभी भी एक क्रिमिनल केस जो मेरे पे है वो केस सहसों के चल रहा है, इंशाल्लाह एक हफ़्ता 2-15 दिन में शायद वो भी ख़त्म हो जाएगा। ले ज़्यादा है सो के पुलिस की पुष्पनाई से ये काम होते जा रहा हमेशा, लिहाजा इसके ऊपर है सो के
सोचने की ज़रूरत है और हुकूमत को भी सोचने की ज़रूरत है। ऐसे निजाई मसले में कमेटी वालों से, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड वालों से रब्त रखते हुए काम करना बहुत अच्छा है। अभी हैदराबाद के कोई साहिब रब्बानी साहब आके कर रहे थे, खैर उनके साथ सबकी महमले के नौजवानों की बातचीत की, सबके सामने उन्होंने वादा किया भाई मैं कब्रिस्तान की ज़मीन पर काम नहीं करता, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लिहाजा गलती हो गई है। उन्होंने इकरार करके चले गया। सिर्फ ये फैसल की तरफ से जो धोखा दिया गया और प्रकाश गौड़ की बीवी की तरफ से धोखा देने से मैं यहाँ पे आया था, मगर ये कब्रिस्तान की है, मुझे मालूम हुआ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो वापस चले गए। महबूब नगर टाउन में पॉलीटेक्निक कॉलेज के करीब 200 साल से ज़ायद का कदीम खलंदा कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान को मुस्तमार करने और उसको फरोख्त करने की अरसे से साजिशें जारी हैं। अनवर पाशा की साहब की क़ियादत में कब्रिस्तान कमेटी हमेशा इन नाजायज काबिजीन के कब्ज़े को बर्खास्त करने में सरगर्म अमल है। इसके जाकिर साहब एडवोकेट हमारे उसके लीगल एडवाइज़र हैं, इससे पहले खालिद ज़ुबैदी साहब भी इस कमेटी के सरपरस्त है, और हम सब हमेशा ही अख़ब इजाज साहब कब्रिस्तान तहफ़ का तहिया किए हुए हैं। ये कब्रिस्तान, यहाँ महमला की मशहूर शख्सियात इस कब्रिस्तान में मदफून है, जिसमें इब्राहिम अंसारी साहब उनकी फैमिली है, वहीद साहब एडवोकेट उनकी फैमिली है, खुद अनवर पाशा साहब उनके ख़ानदान की फैमिली है, मेरे ननियाल के तमाम लोग और मेरी छोटी बहन भी इसी कब्रिस्तान में मदफून है। हालांकि इस ज़माने में जब लोग बुज़ुर्गों ने ज़मीन दी थी कब्रिस्तान को, तब कोई पट्टा कागज़ नहीं था, लोग दिए ज़मीन कब्ज़ा कर लिए। इससे पहले हाईकोर्ट के आर्डर से भी यमा और कब्ज़ा लेने के लिए आया था, जब तमाम लोग मुतालबा किया कि साहब ये कब्ज़ा ज़मीन नहीं है, खोद के देखिए तो खोद देते हड्डियाँ निकले थे, तो यमा जो है तो वापस कर दिया कब्ज़ा, हाईकोर्ट को रिपोर्ट लिख दिया कि ये ज़मीन खाली नहीं बल्कि हड्डियाँ हैं। इसलिए मुसलमान कब्रिस्तान है और यहाँ बुज़ुर्गों की तमाम बाकियात महफूज हैं, इसलिए इस किस्म की काम करना, ये मुसलमान जज्बात को खिलवाड़ करना, महमदा ने अमरनाथ को बर्खास्त करने का मामला है। आज हैदराबाद से एक साहब प्रोक्लेन मिशन लेके सफा करने के लिए आए थे, लेकिन आज अनवर पाशा साहब और तमाम उनके कमेटी के अरकान और तमाम अहले वाले जमा हो गए, तो उन्होंने माजरत खाई की कि भाई मुझे धोखा दिया गया था, इस तरह से उनको हम जाने का मौका दिए हैं। आज मैं तो मुस्लिम से आइंदा भी ख्वाहिश है कि गौड की बीवी हो या कोई भी फैसला जो भी लोग हों, कब्रिस्तान के मामले में किसी की भी कोई मुदाखलत मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, कि अल्लाह की अमानत है, उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह हम मरे दम तक इसकी हिफाजत करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज 200 साल से ज़ायद खलंदर शाह कब्रिस्तान में कब्ज़ा करने की फिर एक नाकाम कोशिश की गई है। इतला मिलते ही कब्रिस्तान कमेटी के सदर अनवर पाशा साहब, सदर ज़िला मस्जिद अब्दुल हादी साहब, सादतुल्ला हुसैनी साहब फ्लोर लीडर मजलिस बल्दिया, महबूब साहब काउंसलर और महले के तमाम मुसलमान यहाँ जमा हो गए हैं, और जैसे ही रब्बानी साहब यहाँ आए, उन लोग उन पर गर्म हो रहे थे, जब हम बात करें तो उन्होंने कहा कि मैं गलत फहमी का शिकार होके ये अग्रीमेंट करा हूँ, मुझे नहीं मालूम यह कब्रिस्तान का मामला है, इसलिए उनको जाने का मौका दिया गया है। मैं यहाँ इस न्यूज़ सर्विसेज के ज़रिए तमाम लोगों को आगाह करना चाह रहा हूँ, मेहरबानी कर फरमा के अगर तुम में ज़र्रा बराबर भी मुसलमानियत अगर बाकी है तो कब्रिस्तानों की सौदेबाजी में मत आइए, चूँकि अगर तुम जैसे एक पैदा होंगे तो अल्लाह के लाल इन ज़मीनों को, इन कब्रिस्तानों को बचाने के लिए समंदर की तरह उमड़ पड़ेंगे, और आप लोग कभी इनका सामना नहीं कर सकेंगे। और ये चीज़ सोच लीजिए कि आप ज़िंदगी में कितने भी साल ज़िंदा रहेंगे, कितनी भी दौलत कमा लेंगे, लेकिन आके इसी कब्रिस्तान में आपको दफन होना है। अगर ये आपके जहन में आ गया तो मैं समझता हूँ आइंदा ये हिमाकत या फिर पैसे के लालच में भागने वाला काम नहीं करेंगे। मेहरबानी करके मैं बोल रहा हूँ, खुदा रा कब्रिस्तानों के मामलों को ज़रा दूर हो जाइए, वरना अल्लाह की लाठी तो किसी हाल तुम पे पड़ेंगी, लेकिन मुसलमान भी आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको सोशल बाइकॉट कराएंगे, इंशाल्लाह आपको अदालतों में भी लाके ठहरा करेंगे। मैं इस चीज़ के साथ, ये मेरा सीधा इशारा है, जो लोग इन चीज़ों को अगर करना चाह रहे हैं तो आखिरत भी सोच लीजिए आपकी। शुक्रिया। ये खलंदर शाह कब्रिस्तान जो 200 साल पुराना कब्रिस्तान है, इसके लिए
मैं मजलिस बल्दिया महबूब नगर में भी इसका मुतालिबा किया हूँ कि इसके लिए बाउंड्री वाल और इसकी जो है ड्रेन का जो काम पेंडिंग है वो भी जो है हमारा जो है नुमाइंदगी पर इंशाल्लाह वो बहुत जल्द कब्रिस्तान का कंपाउंड वाला और ड्रेन का काम आगाज़ होने वाला है। लिहाजा मैं जो भी इसमें मुलविस है उन लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि कब्रिस्तान के मामलात में मत आइए, क्योंकि कब्रिस्तान ऐसी जगह है आप मरने के बाद इसी मिट्टी में जाना है और अल्लाह ताला को जवाब देना है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूं कि इससे पहले भी कई वाक़यात हुए हैं, तो हम तमाम अनवर पाशा साहब की सदारत में अब्दुल हादी एडवोकेट साहब, जाकिर एडवोकेट साहब हमेशा इस कब्रिस्तान को रोकने की कोशिश किए हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी जब तक बाकी रहेंगी हम कब्रिस्तान और अवकाफ़ी जायदादों के लिए और मुसलमानों के मिल्लत के मसाइल के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे और जहां भी हमको जाना पड़ेगा ज़रूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट तक भी जाएंगे और अदालतों को जाकर हम अपनी ज़मीन को हम महफूज करेंगे। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।